मैं तो एक सिपाही हूँ भारतीय जनता पार्टी की। मेरे लिए क्षेत्र मेरा पूरा परिवार है। जब तक रोजगार नहीं होगा तब तक कोई भी समस्या का समाधान मुश्किल है। मैजिक होगी यहाँ की जनता की। अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है इस चुनाव में काफी गंभीर मुद्दा है। इसको लेकर बिहार के जो बेरोजगार युवा हैं वो नीतीश कुमार तथा केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बेरोजगारी तो डेफिनेट मुद्दा है और बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए, ये भी तय है। ये आई बिलीव ये होना ही चाहिए। एक एक बच्चा, एक एक इंसान जब तक रोजगार नहीं ले लिया होगा, उसके पास कोई, जब तक रोजगार नहीं होगा तब तक कोई भी समस्या का समाधान मुश्किल है। मेरे पास कुछ ऐसे स्कीम्स हैं जो मैंने खुद अपने 20 साल के एक्सपीरियंस से, सोशल वर्क एक्सपीरियंस से या पॉलिटिकल एक्सपीरियंस तैयार किया हुआ है और उससे बहुत हद तक बेरोजगारी दूर होगी। जी, आपके पास क्या रोड मैप होगा, थोड़ा सा वो भी क्लियर कर दें। जब तक हम लोग एक दूसरे को रोजगार नहीं देंगे तब तक जो है, जो संभव है, आपस में भी तो रोजगार दे सकते हैं। सबसे पहला तरीका वो है मेरे हिसाब से। काफी हद तक कुछ समस्याएं हम लोग मिलजुल के दूर करने की कोशिश करेंगे। बड़ी चीजों के लिए जैसे फैक्ट्रीज लगाना और भी बहुत सारे सिस्टम्स है जिसके माध्यम से रोजगार पैदा भी किया जा सकता है। अफसरशाही का जो मुद्दा है वो इस चुनाव में देखने को मिल रहा है, क्या कहना चाहती हैं आप इस पर? देखिए, इट डिपेंड्स यू नो कि ऑफिसर्स से कैसा आपका अपना बिहेवियर और ट्रीटमेंट है। वंस आपको ये क्लियर कर दे कि वही किताबें उन लोगों ने पढ़ी हैं जो हमने पढ़ी हैं, तो ऑफिसर्स को एब्सोल्युटली कन्विंस करने का सिस्टम है। अगर आपको वो तरीका आता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, यदि नहीं आता है तो प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरी बात, ये जरूरी नहीं है कि आप जो चाहते हैं, जो कहते हैं वही सही हो। और ऑफिसर्स इतना पढ़ लिख के भी अनपढ़ है, समझ के ही हम लोग सोच समझते हैं। हम लोगों को एटलीस्ट मुझे कभी किसी ऑफिसर से कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। आखिर क्या कारण है कि उन अन्य कैंडिडेट से आपका कैंडिडेचर थोड़ा सा अलग लगता है पार्टी के नजर में? ये तो आप ये पार्टी से पूछे इस सवाल को और पब्लिक से पूछे इस सवाल को। जी। मेरे हिसाब से मेरे जो 40,000 वोट्स मिले वो रीजन हो सकते हैं पिछले चुनाव में इंडिपेंडेंट। दूसरा रीजन हो सकता है सर्वे रिपोर्ट जो पब्लिक की तरफ से गया हो, वो रीजन। तीसरा मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का भरोसा। मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस कारण से मुझ पर भरोसा किया, ये उनका बड़प्पन है या सोच है या समझदारी है, या नरकटियागंज क्षेत्र को मेरे जैसे उम्मीदवार को देकर मेरे हिसाब से काम कराना चाहते हो। मैं तो एक सिपाही हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तथा केंद्र सरकार और साथ ही नीतीश कुमार की सरकार, ये सभी इस तरह से घोषणा करते हैं अब यहाँ खुले में शौच नहीं होती है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और ये हम लोगों की भी है, मतलब आम पब्लिक की भी है। हमको लगता है कि इस पर अमल करना हम लोग का सबसे पहला मकसद और होना ही चाहिए हर हाल में, बिकॉज वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है और हर एक को उस पर पहल करना ही चाहिए। एक दूसरी बात, यदि उस पर पहल नहीं जैसा आप बता रहे हैं तो तरीका तो मेरी समझ से ये है कि प्रशासन या पब्लिक का कहीं ना कहीं कुछ क्लैश होगा या कोई मुद्दा होगा या कोई कुछ चीज़ें क्लैश कर रही होंगी। मेरी समझ से उस पर बैठ के आपस में समन्वय बिठा कर और इस मुद्दे का समाधान बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके इलेक्शन का थीम क्या होगा, क्या यह मोदी मैजिक होगा या नीतीश कुमार का साथ निश्चय?
दोनों तीसरा मैजिक होगी यहाँ की जनता की।